हो, बारिश तो अभी थोड़ा रुक चुका है, तो अभी देख चुके हो बारिश बहुत ज्यादा हो रहा था, तेजी बारिश थोड़ा साफ कर रहे हैं, साफ करना जरूरी है, नहीं तो फ्रेंड्स वेलकम टू मनोज क्रिएटिव ब्लॉग्स। तो आप सब सोच रहे होंगे आज मैं क्यों ब्लॉग कब भी स्टार्ट किया हूँ, तो अभी स्टार्ट करने का वजह यही है। तो आज फाइनली इतने दिन के बाद, कम से कम 7 महीने के बाद मैं आज बारिश देखा हूँ राजस्थान जोधपुर में, तो बहुत ही अलग टाइप का फील हो रहा है। तो चलो देखो, बारिश सच में बहुत ज्यादा हो रहा है, चलो मैं तुमको थोड़ा दिखाता हूँ उसका व्यूज। ओ बारिश तो अभी थोड़ा रुक चुका है, तो अभी देख चुके हो बारिश बहुत ज्यादा हो रहा था, तेजी बारिश हो रहा था, तो अभी थोड़ा बारिश रुका है, देख सकते हो नीचे पूरा पानी पानी हो चुका है, तो ऐसा ही चलेगा। ये हमारा नीचे का देखो, अपार्टमेंट के नीचे से पूरा बारिश हो रहा है, और बारिश तो अभी चालू रहेगा कभी, मतलब मैं तो घर पे भी बात कर रहा था, 2-3 दिन से बारिश हो रहा है उड़ीसा की तरफ और यूपी की तरफ भी बारिश हो रहा है, तो अभी बारिश नहीं हुआ था, तो फिलहाल तो यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गया अभी, क्योंकि हर स्टेट में बारिश होने लगा था, तो यहाँ पे बारिश नहीं हुआ था, तो अभी शायद अभी कुछ दिन बारिश चलेगा, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो मेरे दोस्त के साथ एक शेयर करता हूँ बारिश का मौसम। तो आप सब जरूर बताओगे कॉमेंट में कि आपको बारिश कैसा लगता है। तो फिलहाल तो मुझे लगा नहीं था कि राजस्थान में मैं कभी बारिश देख पाऊंगा, तो फिलहाल तो मैंने बारिश देख लिया, देख रहे होगे बहुत जोर से बारिश हो रहा है। तो और एक व्यू दिखाता हूँ, क्योंकि हमारे रूम पे ना पानी पानी हो गया है, तो इतना जोर से बारिश हो रहा है, तो चलो मैं तुमको मेरा हमारा रूम का भी कुछ झलक दिखाता हूँ, बारिश कैसे हो के पानी कितना हो गया है, चलो देखते हैं। फाइनली देखो हमारा तो अभी खिड़की बंद हो चुका है, फिर भी देखो इतना जोर से बारिश हो रहा है कि यहाँ पूरा पानी हो गया है और नीचे भी पूरा पानी हो गया, तो इसीलिए हमने देखो ये सब मतलब रूम बिस्तर इस तरफ हो गया हमारा, क्योंकि पानी है सारे तरफ, तो यह हमारा बिल्कुल हमारा रूम है, तो बारिश हो रहा है, देखो पानी पूरा रूम के हर जगह पानी हो गया है, पानी ही पानी है। तो फिलहाल क्या करते हैं, चलो बारिश तो चालू रह रहा है, तो चलो हम सोच रहे हैं कि मैं तो अभी बालकोनी में खड़ा हूँ, मतलब मुझे मैं तो बारिश का मजा ले रहा हूँ, तो आप कौन कौन इसी बारिश को मजा, कोई भी इस बारिश को मजा मत लो, क्योंकि ये टाइम का बारिश नहीं है, बुखार हो सकता है, तो देख के सतर्क रहिए, और मैं इसलिए आपको शेयर करने के लिए बारिश में आ गया, नहीं तो बारिश में भीगना नहीं चाहिए, तो क्योंकि ये टाइम वाला बारिश नहीं है कि बारिश का मौसम भी नहीं चल रहा है, तो ये बिना मौसम की बारिश है तो तबीयत खराब हो सकता है, तो फिलहाल तो अभी क्या करें, चलो हम सोच रहे हैं कि कुछ पकौड़ा वगैरह बना के खाएंगे, बारिश का मजा लेंगे, तो आज संडे भी है तो ऑफिस भी तो छुट्टी है, तो हम सोच लिए क्या करें, तो बारिश भी स्टार्ट हो गया, तो घर पे 2 दिन से बोल रहे थे कि बारिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे जल्दी से बारिश हो रहा है और बहुत मतलब बहुत तेजी का बारिश हो रहा है, तो मैं नीचे का भी व्यू दिखा रहा हूँ, नीचे कितना पानी है, सब हो गए, मैं तो बालकोनी में खड़ा हूँ, नीचे पूरा पानी हो गया है, तो ये सब कार वगैरह खड़े हैं, तो ये पूरा नज़ारा है जोधपुर का, बारिश अभी तक चलू रहेगा शायद अभी कुछ दिन तक, कुछ दिन क्या कुछ घंटे तक, शायद मैंने गलती से बोल दिया कुछ दिन, कुछ घंटे तक बारिश चालू रहेगा, तो अभी मतलब ना बात ऐसी है कि हमारा लाइन नहीं है रूम में, तो फोन में भी बैटरी नहीं है, तो फोन को चार्ज लगाने के लिए मेरे पावर बैंक में चार्ज नहीं है, पावर बैंक में बहुत कम चार्ज है, तो इसीलिए क्या करें, तो दुआ करते हैं कि गॉड से प्रे भी करते हैं कि लाइन आ जाए, बारिश होना चाहिए, होने दो जितना भी होना चाहिए होने दो, पर लाइन रहना चाहिए यार, क्योंकि गर्मी का टाइम है, बारिश हो तो कोई बात नहीं, ठंडी मौसम चलो रहेगी, तो फिर भी लाइन का ज़रूरत है, और फिर चलो मैं थोड़ा छत पे चलता हूँ, छत पे चलता हूँ, देखता हूँ क्या होता है, छत पे चलते हैं चलो। फ्रेंड फाइनली मैं आ चुका हूँ ऊपर छत पे जाने का रास्ता, तो यही देखो छत पे भी पूरा पानी हो गया, तो मैं सोचा था छत पे जाके आपको थोड़ा व्यूज दिखाऊँ, तो चलो छत पे चलते हैं। सॉरी दोस्त, छत का दरवाजा बंद हो चुका है, क्योंकि हमारा छत के उस तरफ और एक भी रूम है जो भैया लोग रह रहे हैं वहां पे, तो क्या करें, कुछ फायदा भी नहीं हुआ, मैं तुमको बारिश का मौसम ही नहीं दिखा पाया,
छत पे जा के दिखाता तो व्यूज बहुत अच्छा आता, और क्या करें। और चलो ये भी तुम ना सब जरूर कमेंट करना, आप सबको बारिश कैसा लगता है। और मुझे तो फिलहाल बहुत अच्छा लगता है बारिश, फिर एक चीज़ अच्छा नहीं लगता बारिश में लाइन कट जाता है, तो क्योंकि मुझे लाइन की बहुत मेहनत है, लाइन की ज़रूरत बहुत है मुझे, क्यों लाइन रहेगा तो फ़ोन में चार्ज भी रहेगा तो फ़ोन चला भी पाऊँगा, और लाइन नहीं है तो इसलिए हमारे जियो फाइबर भी नहीं चल रहा है, तो नेट का इश्यूज़ भी रहेगा अभी, क्योंकि यहाँ पे जियो का नेट सर्वर ज़्यादा नहीं चलता, तो इसलिए फाइबर लगा के हम यूज़ कर रहे थे, क्योंकि फाइबर में स्पीड होता है नेट। तो अभी कितने घंटे तक बारिश चालू रहेगा पता नहीं। तो चलो फ्रेंड, फाइनली आप देख चुके होंगे, मतलब अभी तो बारिश चालू रहा है, फिर भी ना हमारा रूम में ना थोड़ा पानी पानी हो गया, तो हम सोच रहे हैं थोड़ा साफ कर लेंगे अभी, क्योंकि अभी बारिश थोड़ा रुक चुका है, तो शायद अभी बाद में ज्यादा बारिश होने वाला है, तो चलो पहले साफ कर लेते रूम को। देखो कितने पानी है, मतलब रूम पूरा भर चुका है पानी से ना राहुल जी। यार बड़ा क्या करेगा इतना, मतलब इतना, मतलब मुझे पता नहीं था फ्लैट में भी इतना पानी दे सकता है उसको। देखो ये यहाँ से साफ हो गया, और वाइपर लगा के इसको भी थोड़ा ले लेते हैं। चलो थोड़ा रुको, मैं वाइपर लेके आता हूँ। लगा के हम साफ कर रहे हैं, साफ करना जरूरी है, नहीं तो सोने में दिक्कत हो जाएगा। पानी इतना है तो कैसे सोएंगे यार, तो सोना भी पड़ेगा हमें। चलो अभी तो हम साफ कर रहे हैं, चलो मैं फिर आपको वीडियो बाद में शेयर करता हूँ। चलो ओके फ्रेंड, अभी तो हवा चल रहा है, देख रहे हो हवा इतना जोर से चल रहा है, तो फिर बारिश तो थोड़ा कम चुका, तो चलो ठीक है, मैंने वीडियो बना लिया है। तो आपके पास वीडियो कब पहुंचेगा मुझे नहीं पता, आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा तो ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।